हम अल्लाह ताला का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वोटर सपोर्टर वर्कर्स अहदेदारान मेंबरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को सुरखरू किया है और इस जमहूरी जदोजहद में जो है वो फतह से कामयाबी से जो है वो हमकनार किया है। अगर ये कामयाबी दूसरी तरफ होती तो आपको कुछ लोग इस वक्त चंगारते हुए और ऐसी लगव और घटिया गुफ्तगू करते हुए आप उन्हें देखते या आपको सुनाई देते। जिस तरह की गुफ्तगू आज सारा दिन जो है पाकिस्तान के लोगों को जो है वो सुनने को मिली, यानी फ़िरौनियत तकब्बर और गुरूर में गर्क लोगों ने आज इस तरह से अपने सियासी मुखालफीन को गालियां दी, इस तरह से धमकियां दी ऑफिसर्स के नाम ले लेके कि तुम्हें ना हम रंधा फेरेंगे, फलां को हम ये करेंगे, फलां को ये करेंगे। इस किस्म की घटिया गुफ्तगू जो है वो आज जो है वो लोगों को सुनने को मिली। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला को तकब्बर, इस किस्म का गुरूर और इस किस्म की फ़िरौनियत जो है वो पसंद नहीं है। शायद ये वही लम्हात थे आज इस दिन के पहले पहर में कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू करने और इन फसादियों को, इमरानी फितने को जो है वो सरनगुम करने का जो है वो फैसला किया। और इसमें चौधरी शुजात जो कि एक बड़े ही दरीना कोहनामश्क और बड़े एक्सपीरियंस रखने वाले सियासतदान हैं, आज उनके फैसले ने जो है वो पाकिस्तान को इमरानी फितने से महफूज किया है, इस फसादी टोले के फसाद से महफूज किया है और आज इस मुल्क में जमहूरियत को, रवादारी को जो है वो उन्होंने जो है वो प्रमोट किया है और उसका बोलबाला किया है, उसको जो है वो शुरू किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन, बल्कि मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी जमातों की तमाम क्यादत, तमाम कारकुन जो हैं वो चौधरी शुजात के इस फैसले को सराहते हैं और इस फैसले पे उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने सही मानों में इस मुतकब्बर शख्स को, जो इस कौम को तकसीम करना चाहता है, जो इस कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है, जो पाकिस्तान में फितना और फसाद फैलाना चाहता है, जो सही मानों में पाकिस्तानी कौम और इस मुल्क के लिए नासूर है, उसकी उन्होंने शिनाख्त की है। और उस शिनाख्त के पेश नज़र उन्होंने जो फैसला किया और जिस फैसले की रूह से जो है वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो कामयाबी मिली है। और मियां हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो दोबारा अक्सरियत हासिल करके जो है वो वज़ीर आला पंजाब बने हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें उन गरीबों की दुआओं का भी असर होगा जिनके बिजली के बिल जो है वो माफ़ करने का फैसला किया गया था और इस फसादी टोले ने आगे से जो है वो शोर डाल के उस फैसले को जो है वो मुखर किया था। मैं समझता हूँ कि इस में उन लोगों की दुआएं भी शामिल होंगी जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में तरक्की चाहते हैं, रवादारी की सियासत चाहते हैं, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम की जो है वो सियासत जो है वो चाहते हैं। तो मैं इस मरहले पे मैं न सिर्फ चौधरी शुजात का, उनकी जमात की लीग का और इस अमल में
शामिल बाकी जितने भी किरदार थे उन सब का जो है वो अपनी जानिब से भी, अपनी जमात की जानिब से भी जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं ये बात जो है ये कहनी चाहूँगा कि ये फसादी टोला जो है, ये जो इमरानी फितना है, ये इनका तकब्बर आज भी आपने सुना, पिछले दो तीन दिन भी सुना, 17 के इलेक्शन के बाद जिस इलेक्शन का रिज़ल्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ उसके एक अपने फैसले की वजह से आया, हमने उस अपने गलत फैसले को भी आइडेंटिफाई किया, उसे भी तस्लीम किया और उस रिज़ल्ट को भी तस्लीम किया, लेकिन इन्होंने इसके बावजूद हमें भी गालियाँ दी, इलेक्शन कमीशन को भी गालियाँ दी,